PIM 777 उड़ाते हैं। PIM ने एक्चुअली एयरलाइन नहीं चलाई, PIM ने नेशन बिल्डिंग की है। मैं जब जा रहा था तो एक फ्लाइंग क्लब का सेसना जा रहा था, मेरे से नहीं रुका गया। इमरजेंसी को डील कर रहे हो, किताबें पढ़ने का टाइम होता है, उस पर कितना फाइन प्रिंट होता है लिखा हुआ, मैं तो हाथ में भूल गया। मैंने कप्तान बनने से पहले 20 साल मैंने फर्स्ट ऑफ से भी किए। एयर बबल आ गया था और वो उसने जहाज, यानी मैं अकेला होता तो वो मेरे साथ नहीं हटल। और समुद्र पे जाते थे, इंजन फेल करके कहते थे डिचिंग करके दिखाओ। अभी तो अच्छी खबर नहीं है तेरी, अपने ठेके लिए अपने, लेकिन आपको मुझे पता है तो फिर आपको अस्सलाम वालेकुम। और मेरे बड़े ही अजीज दोस्त और भाई हैं, वो मुझे मिलने आए हैं आज घर पे, और अब यानी इतनी हम गर्म जोशी से मिले हैं कि 6 फुट के फासले से हमने एक दूसरे को सलाम किया, और उन्होंने एंटर होने से पहले अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ किए और अपने बेटे के भी, और मैं अभी जाके दोबारा बाथरूम में साबुन से हाथ धो के आया हूँ, बिकॉज केयर हैज टू बी टेकन। हमें ये नहीं पता कि ये बीमारी जो है वो किस किस शक्ल में हमें इर्द गिर्द हमारे है और हमें इससे बचाव करना है। लेकिन एक बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको मैं बात बताऊंगा। आज कैप्टन जमाल आए हैं मेरे साथ, और कैप्टन जमाल जो है किसी एयरलाइन इंडस्ट्री में तो किसी से तारुफ के मोहताज नहीं है। ही इज अ वेरी फाइन पायलट, एयरफोर्स में थे पहले, PIM में। आप आपके वालिद थे ना, आपके फादर थे, और उसके बाद ये PIM 777 उड़ाते हैं। 777 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है बोइंग, और ऑब्वियसली हम 777 के कप्तान जो होते हैं ना उनको हम बड़ी और में देखते हैं, हम उनको कि यार ये कैसा आदमी है, ये अल्लाह ताला ने इसको ये सलाहियत दी है। लेकिन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि PIM तो रोमांस क्या है, तो मैं आज आपको वो रोमांस बताता हूँ। देखिए जब मैं छोटा था, मैं ओ लेवल्स कर रहा था, ये तो मैं DI खान गया, मेरा भाई वहां पोस्टेड था, तो वहां से जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे भाई ने कहा, बड़े भाई ने, कि मैं तुम्हें जहाज से भेजता हूँ। So that was my first flight actually. तो जब मैं DI खान से चेक इन कर रहा था तो चेक इन काउंटर के पीछे PIM वालों ने दो टॉयलेट्स बनाए हुए थे जो जहाज के टॉयलेट्स थे, और हर पैसेंजर को वो टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे थे वहां पे, कि आपने इस तरह से टॉयलेट यूज करना है, ये करना है, वो करना। मैं भी था उन्होंने जिनको ट्रेन किया, मुझे भी पहले नहीं आता था टॉयलेट में बैठना, मैं जहाज से कभी गया ही नहीं था। तो वो मुझे अभी तक मेरे माइंड में है कि PIM ने एक्चुअली एयरलाइन नहीं चलाई, PIM ने नेशन बिल्डिंग की है। और PIM जो है ना, जब मैं कहता हूं ना हमारा फ्लैग कैरियर है, तो देयर इज अ रीजन फॉर इट। इट इज नॉट ओनली कि उसके ऊपर टेल के ऊपर हमारा फ्लैग लगा था, इट इज कि मैं उन लोगों में से हूं जिनको PIM ने सिखाया बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स जो है। और हमारी तो ख्वाहिश होती थी कि कोई स्टूअर्ड रख ले PIM में, कप्तान तो बड़ी दूर की बात है, उसे 500 रुपए घंटा फ्लाइंग आवर्स अपना वो LFC पे लेते थे। तो उन्होंने, मैंने किसी को कहा कि मैंने अप्लाई करना, तो उनका ना अप्लाई करो, स्टूअर्ड ही बड़े गुड लुकिंग होते हैं, कम से कम 5 फुट 7 इंच उनका कद होता है, तुमने डिस्क्वालीफाई हो जाए, फायदा क्या। तो खैर, और उस कराची में होता था, यहां से कराची जाना कितना आसान था, मुश्किल था, ना कोई इंटरनेट था ना कुछ था। तो आपको चाहिए था पायलट बन जाते, 5 फुट नहीं, लेकिन इनकम नहीं थी, वो तो अल्लाह ने बाद में किया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज लोग PIM की बुराइयां जरूर करते हैं, उनको ये नहीं पता कि PIM का एहसान क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ 3 साल पहले मैं सर अपनी बेटी के साथ लंदन जा रहा था, तो मैंने उसे पूछा कौन सी एयरलाइन पे चले, तो देन उन्होंने कहा PIM पे चलते। अच्छा, मैंने कहा एमिरेट्स पे एंटरटेनमेंट ज्यादा है, इतिहाद पे है, फिर दुबई एयरपोर्ट रुकेंगे, कोई ड्यूटी फ्री शॉपिंग करेंगे ये, तो उसने कहा नहीं PIM ठीक है। सो वेन वी सैट इन द PIM, तो मैं उससे थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा, अच्छा मैंने नहीं पूछा अभी, अभी क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद उसने एयर होस्टेस कहा कि मैंने वॉशरूम जाना है, एयर होस्टेस गई, उसने उसको हेल्प किया, जो भी वापस आई उसने खुद ही उसको कंबल दे दिया, उसने कहा अच्छा मैं अब सो रही हूँ ये वो। तो देन आई रियलाइज कि इसको ऐसी एयरलाइन में जाना था जहाँ ये अपनी जुबान में बात कर सके वो होस्टेस जो है, और वो होस्टेस एयर होस्टेस जो थी, मुझे नहीं पता वो कौन नेक खातून थी, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे से दे,
वो उस बच्ची को ऐसे केयर कर रही थी जैसे उसकी अपनी बेटी होती है। ये हमें माहौल किसी और एयरलाइन में नहीं मिलता। जितना हम लोग अपने कैबिन क्रू के साथ ज्यादतियां करते हैं, जितनी हम उनको बातें करते हैं और जितनी हमारी एयर होस्टेस उसको विजिटिंग कार्ड मिलते हैं ना, बजाते खुद दुनिया में किसी और मुल्क में वो हैरेसमेंट में सारे के सारे गिरफ्तार हुए हैं बिल्कुल, और ये तब भी स्माइल करते हैं। तो मैं तो बड़ा फैन हूँ पीआईए का और पीआईए के क्रू का, इसलिए ये मेरा एक रोमांस है। पता नहीं आप इसे एग्री करें कि ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आई डू एग्री। मैं तो जब पैदा हुआ तो मैं पेशावर में पैदा हुआ था 1965 में 9th ऑफ अगस्त, और उस वक्त मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में थे और कहीं फ्लाई कर रहे थे। वो उनको शायद आरटी पे बताया गया था कि आप आ जाएं सीएमएच पेशावर में, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। उससे पहले मेरी माशाल्लाह दो बड़ी बहनें थीं, तो मैंने तो आंख खोली एक फ्लाइंग माहौल में। खैर स्कूलिंग की, जब वालिद साहब को शौक था मुझे इंजीनियर बनाने का, तो उन्होंने मुझे अमेरिका भेज दिया एक दिन इंजीनियरिंग करने। तो मुझे याद है कि मेरा थर्ड ईयर था इंजीनियरिंग का, तो मैं घर से निकला, मेरा कैलकुलस का एग्ज़ाम था। निकल के मैं जब जा रहा था तो एक फ्लाइंग क्लब का सेसना जा रहा था, मेरे से नहीं रुका गया। आई जस्ट टर्न एंड टूवर्ड्स दैट एरोप्लेन, वहाँ गया फ्लाइंग क्लब गया। वहाँ जाके मैंने एक इंस्ट्रक्टर से कहा कि मुझे फ्लाइंग करनी है, करा देंगे? उसने कहा हाँ श्योर, व्हाई नॉट। तो मुझे लेके चला गया और थोड़े दिनों में मैंने पहली सोलो कर ली। वापस पाकिस्तान आया, मेरे अबू ने कहा कि अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाओ। तो मैंने रिपोर्ट्स क्या दिखानी थी, मैंने उनको अपना सोलो की लॉग बुक दिखाई। तो उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने, फ्लाइंग तो बहुत कर ली, मैं भी इतने सालों से फ्लाइंग कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं जी, करनी है तो फ्लाइंग करनी है, और बस फ्लाइंग की। उसके बाद अल्लाह ताला ने पीआईए में हो गया मैं 1991 में, पहले 89 में मैंने ज्वाइन किया था पीआईए। लेकिन कितनी रिस्पेक्ट है पीआईए की यूनिफॉर्म की, अभी भी मैं दुनिया में देखता हूँ ना, क्रू आता है ना तो लोग अपना मुड़ के देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पीआईए इज पाकिस्तान, हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जैसे आपने कहा ना टेल पे पाकिस्तान का झंडा, तो वो झंडा हम लोगों ने शुरू किया था, इससे ज्यादा विजिबल टेल किसी एयरलाइन की है ही नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने ह्यूस्टन फ्लाइट शुरू की थी, जो कि हम लोग इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि मैनचेस्टर ह्यूस्टन करते थे और सुई रखने की जगह नहीं होती थी। वो रूट भी क्या कहें कि गवर्नमेंट में जो भी पुराने थे उन्होंने बेच बेच दिया वो रूट भी। और मुझे अभी भी याद है जब एमिरेट्स को मिल गया था। जी बिल्कुल, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे, मुझे नहीं समझ आ रही ये कितना पैसा इंसान का। अब आप फिक्र ना करें, बड़े रूट्स मिल रहे हैं इंशाल्लाह, पीआईए अब रीवैम्प होगी, मैं कन्विंस्ड। अगर ये हमारे अर्शद साहब रहे हैं तो अर्शद साहब से, मेरी अर्शद साहब का मैं बड़ा कन्विंस्ड हूं, अर्शद साहब विल गेट न्यू रूट्स न्यू प्लेन्स। आई नो कि अब ये गल्फ की एयरलाइन बैंकक्रप्ट होने लगी है। यस ओ यस, इवन ये जो समय ये काफी एयरलाइनों को लेके बैठ रहे हैं, जिसमें ये इतिहाद एमिरेट्स कतर गल्फ एयर, मार्क माय वर्ड्स, इनको अभी बड़े झटके लगने हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से हुआ है, शायद पाकिस्तान को उस जगह ले जाना हो। और यूके एक दफा बैंकक्रप्ट हो जाएगी पीआईए, कोई बात नहीं, वहीं से उठेगी, फ्रॉम एशेस विल राइज द फीनिक्स। लेकिन प्रोवाइडेड हमारे पास यही रहे, अर्शद साहब को जबरदस्ती कंटिन्यूटी चाहिए ना। हाँ इनको रख ले जबरदस्ती, आपका एवरेज एमडी एक साल रहता है तो उसमें क्या करें। और जहां तक ये बात ठहरी ना कि अगर आप इनको रिटायर कर लें, जिस दिन ये रिटायर हुए ना उस दिन ये वापस अल्लाह रहम करे ये भी बीमार हो जाएंगे, जैसे वो क्या नाम था उनका, राव कमर सिंह ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, उनको हार्टअटैक हो गया था, फौत हो गए थे। हाँ तो ये तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी। ओ यस, ये लोग ग्रूम होकर आते हैं ना, और क्योंकि शायद इनको बता दिया जाता है कि बस जिंदगी में करना है कुछ। अरे मुझे एक बात तो बताएं, मैंने हमेशा आपसे, मैंने आपसे पूछा नहीं कभी ये। हाँ प्लीज। मैंने अगर आप वो आपको फ्लाइट याद है 737 की, कैप्टन सली जिसको फ्लाई कर रहे थे और उन्होंने पानी में लैंड किया, वो अब दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए थे, बर्ड हिट हुआ था,
आप अगर कप्तान होते वहां पे, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता? मैं 320 मैंने भी फ्लाई किया है, कोई 3-3.5 साल मैं उस पर DRI रहा हूँ, जिसको टाइप रेटिंग इंस्ट्रक्टर के नाम, और मैं अपने टाइप रेटिंग इंस्ट्रक्टर अगर आप एविएटर नहीं, आप समझे खड़पैच आदमी है, खड़पैच पायलट है बस। तो जब मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके जाता था अंडर सुपरविजन फ्लाइंग कराने, तो मैं उनको बाहर खड़ा होकर जहाज दिखाता था, कहता था कि यार इसको जहाज ना समझो, ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसमें छोटे 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 बहुत कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो जस्ट रिमेंबर एनी टाइम एनीथिंग गोज रॉन्ग आपके मुंह से निकलना चाहिए एनी OABs एनी कंप्यूटर रीसेट्स। उस जमाने में तो अब मुझे पता चलता है, क्योंकि लास्ट 2-2.5 साल से मैं 777 फ्लाई कर रहा हूँ, कि यही चीज उन्होंने उसमें डाल दी है सिमुलेटर में। नहीं नहीं सर, यही चीज उन्होंने QRH हमारी जो चेकलिस्ट होती है उसमें ये डाल दी है, मुझे बड़ी खुशी हुई सर। पायलट्स हैंड आउट होता है जो हम लोग निकालते हैं कोई इमरजेंसी में, वैसे आपस की बात है, इमरजेंसी को डील कर रहे हो, किताबें पढ़ने का टाइम होता है, उस पर कितना फाइन प्रिंट होता है लिखा हुआ, मैं तो आपके कई चीजें जबानी करनी होती है बाहर, और कई चीजें आप ही पायलट हो छोड़े, लेकिन मुझे पता है मैं कितना पानी में हूँ। तो पायलट पायलट मेरा तो एक बार मैं जा रहा था, तो वो ये रोमियो के रेंजर खान के ऊपर ना, तो मेरा एक लेफ्ट इंजन प्रोपेलर प्लेन है ना, तो वो लेफ्ट उसने राइट पे यूं करके पुल किया जहाज ने मेरे, ऑटो पायलट पे था, 190 पे फ्लाई कर रहा था, तो मैं एकदम मेरे हाथ पे खुले, मेरा जो CFI था मेरे साथ बैठा हुआ था इतफाक से, तो उसने मुझे कहा माई कंट्रोल, मैंने कहा ले ले माई कंट्रोल, वरना योर कंट्रोल मेरे साथ नहीं हो रहा। उसने फौरन फ्यूल पंप फुल खोला, ये वो उसने उसको स्टेबल किया, अच्छा फिर 10 मिनट के बाद दोबारा हो गया, फिर उसने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया। कराची उतर के मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हुआ क्या, उन्होंने कहा इंजीनियर को रिपोर्ट देने दें, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, हमने इंजीनियर फ्लाई कराया, वो कराची आया, उसने आके उसको चेक किया, तो उसमें प्रॉब्लम में निकला कि फ्यूल में कोई बबल आ गया था, एयर बबल आ गया था, और वो उसने जहाज, यानी मैं अकेला होता तो वो मेरे साथ नहीं हैंडल नहीं हो जाता, क्योंकि तो पायलट बड़ी जो ट्रेन पायलट होता है ना जी, वो बड़े कमाल की चीज होती है, मैं बड़ी इज्जत से देखता हूँ उनको, क्योंकि अपने आप का पता होता है इंसान को। आपने वजीबर पूछा था कि ये जो सली ने जो किया, आपने नोट किया होगा जैसे ही इंजन फेल हुए उसने APU ऑन किया, उससे पहले आपका ड्यूल इंजन फेलियर में APU ऑन ही कराते थे, करने के बाद उन्होंने अब चेकलिस्ट में भी डाल दिया कि अब करना है सबसे पहले, ताकि आपको इलेक्ट्रिक पावर या कुछ तो मिले ना उसमें। तो लेकिन आप क्या करते वहां पे? मेरे ख्याल से मैं भी वही करता जो उसने किया, पानी में लैंड करना, इट्स लाइक लैंडिंग। लेकिन हमें सिखाते हैं, मेरे बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं, मुझे हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे कैप्टन इलियास मलिक, फेमस इलियास मलिक जी, वो बाद में डायरेक्टर भी बन गए, उन्होंने वो हमें ना सिमुलेटर पे, जब मैं को पायलट था उसकी बात बता रहा हूँ आपको, हमें मैनचेस्टर से टेक ऑफ कराते थे और समुंदर पे ले आते थे, और इंजन इंजन फेल करके कहते थे डिचिंग करके दिखाओ, हम लोग कहते थे ये टाइम जाया करने की बात है डिचिंग करना, नहीं वो टाइम जाया नहीं कर रहे थे हमारा, वो हमें बता रहे थे कि अगर खुदा ना खास्ता डिचिंग करनी पड़ जाए तो कैसे की जाए। मैं और मेरा बेटा ये जो वीडियो बना रहा है आपकी ना, एक दफा हम लंदन में थे, हमने वहां पे क्रैनफील्ड एयरपोर्ट पे जहाज लिया छोटा, हमने कहा फ्लाई करते, तो एक वैसे ही मैंने कहा गोरे इंस्ट्रक्टर को, मैंने कहा आप भी साथ आइए, तब गोरा जो है ना मुझसे ऊपर जाते हुए बातें कर रहा, और मुझे कहता अच्छा कितनी फ्लाइंग की, मैं उसको शो मारूं कि मैंने 50 घंटे कर ली, 60 घंटे कर, पता नहीं कितनी की थी उस वक्त, तो मुझे कहता अच्छा इंजन बंद करके करते, मैंने कहा अच्छा मैंने तो अभी ट्रेनिंग नहीं की है इसकी, कहते नहीं अभी कर लेते हैं। तो उसने वो क्रैनफील्ड एयरपोर्ट पे ना, पहले तो उसने मुझसे स्पेंस दिलवाई पूरी अपना, और मैंने कहा ये 172 है ये नहीं कर सकता, उन्होंने कहा करें 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 कोई नहीं, सॉरी ग्राउंड हम कर लेंगे लैंड कर लेंगे। उस बाद उसने मुझसे इंजन बंद करवाए ऊपर जाके। अच्छा मेरा पहला थॉट था कि मैं बैठूं, मेरा बेटा बैठा है, अब ये गोरा मुझसे क्या करा था, और वो आराम से बैठा है च्युइंगम खा रहा अपनी, कम ऑन लेट्स डू इट, तो मैंने कहा लेट्स डू इट, यू आर द कैप्टन, यू आर ऑन द लेफ्ट सीट, मैंने कहा ओके, मैंने इंजन को बंद कर दिया, अब वो जहाज है, कहता नो 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 नोज डाउन,
मैं कहा नोज डाउन, कहता क्यों नोज डाउन, मैंने उसको नोज डाउन किया, वो बिल्कुल आया जब वो, अब मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, 50 फुट पर आया, कहता लेट्स पुल इट अप, अब वहां से मैंने उसको पुल बैक किया, फिर कहता आई डोंट थिंक दैट वाज गुड इनफ, यू पुल्ड अ बिट टू अर्ली, लेट्स गो डाउन अगेन। तो उसने मुझे 3-4 बारी कराया वो, तो मुझे समझ आई कि ये जो है ना भाई बड़ा औखा काम है, स्पीड को ऑटिट्यूड में कन्वर्ट करा है। तो वो आप सही कह रहे हैं, तो सली की जगह आप होते तो आप ही वही करते। बिल्कुल, हम लोग की ट्रेनिंग ही ऐसे, और बल्कि कप्तान साहब PIA में मैंने कप्तान बनने से पहले 20 साल मैंने फर्स्ट ऑफिसर ही किए, और इतना एक्सपीरियंस कराते हैं, अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 18,000 से ज़्यादा घंटे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, लेकिन PIA की ट्रेनिंग इज टू गुड। 39 एयरलाइंस को PIA ने या बनाया या मेंटेन किया या उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया, 39 एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है एमिरेट्स का जो कॉल साइन है EK, और लोगों को नहीं पता उसका मतलब है एमिरेट्स टू कराची, यानी पहला जो उसकी फ्लाइट थी वो EK1 थी, और PIA के जहाज के ऊपर एमिरेट्स का उन्होंने फ्लैग लगा दिया बस, और उसका कॉल साइन रखा EK1। आज तक एमिरेट्स उस कॉल साइन को नहीं चेंज कर सका, EK ही है उसका कॉल साइन। सर मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी वजह बताऊं, ये जितनी भी एयरलाइंस बनाई हैं वो PIA के वर्कर्स ने बनाई है, मैनेजमेंट ने नहीं बनाई। अगर उस दिन EK मैनेजमेंट की तो इस बारे में नूर खान वगैरह की बहुत, सर नूर खान की, अगर ये एमिरेट्स की उस दिनों पायलट्स की जगह वो लोग CEO और ये लोग भेज देते PIA से, तो वो आज हमारे जैसे शरीफ लोग हैं, वही करना था जो करना था, तो उन्होंने मैनेजमेंट अच्छी रखी। बाकी हम लोग तो काम करने में पाकिस्तानी, आपको पता है पीछे नहीं हटता, पीछे बिल्कुल नहीं हटता, क्योंकि मैं आपका अभी थोड़े दिनों पहले, अभी 2 दिन पहले एक प्रोग्राम देख रहा था PIA के ऊपर यूट्यूब पे। जी बिल्कुल, मैं बड़ा होपफुल हूँ कि PIA उठ जाएगी, उठेगी उठेगी, प्रोवाइडेड हमारी मैनेजमेंट कुछ अरसे के लिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, अब सारे मेरे नाराज हो जाएंगे, कुछ दोस्त भी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको फ्री टिकट मिलना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको मुराद मिलनी चाहिए, जब तक वो PIA के लिए सैक्रिफाइस ना करें, बिल्कुल, और उस जस्टिफाई करें कि वो एयरलाइन के डायरेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि PIA के, मैं तो अभी भी एयर मार्शल साहब की सिर्फ एक बात से मैं मुत्तफिक नहीं होऊंगा, वो ये कि हमारे में भी काफी ऑनेस्ट और सीनियर लोग हैं जो के उनके साथ काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, उनको जी हजूरी नहीं करेंगे, लेकिन जो सही बात होगी उन तक पहुंचा जरूर देंगे। आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि PIA जैसे, अल्लाह करे एक दिन हमारी सिविल एविएशन का जो बॉस हो वो एक सिविलियन हो, नहीं वो उसी तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी से, फाइन, बड़ी अच्छी बात है, जिस दिन वो होना शुरू हो गया आपकी सिविल एविएशन के नीचे से इतने सीनियर लोग प्रॉब्लम है आपके PIA में। आपका पहले भी एक दफा MD आए थे जिनको आपकी यूनियन वालों ने उनके दफ्तर में ताले लगा दिए थे, अंदर ही बंद कर दिया। हाँ सर, वो तो अगर एयर मार्शल साहब अपने बंदे ना लेके आए तो आप तो उनका पता नहीं क्या हाल कर दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एयर मार्शल साहब आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो जो हमारे जो MD आए थे पुराने, वो कैसे आए थे आपको पता ही होगा सर, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको ये हक तो नहीं है ना कि आप कमरे में ताला लगा के बंद कर दे, किसी को हक नहीं है, आप फिजिकल हो गए ना तो वो तो गलत है ना। दुनिया में किसी और मुल्क में होता है तो वो यूनियन वाले 3-3 साल जेलें काट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, मैं जिस एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ, पेल्पा से वैसे आदि फ्रॉड है वो, नहीं सर मैं गजब नहीं, हम लोग ना पेल्पा से बनता क्या, पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन, राइट, तो सिर्फ PIA के लोग उसके मेंबर्स हैं सर, क्योंकि एक एक कोई छोड़ देना, बाप सरीन भी है, एयर ब्लू भी है, पहले एरो एशिया भी थी, उसके लोगों को आप कैल्पा का मेंबर नहीं बनाते सर, इसका मैं ये गलत है। नहीं नहीं सर, मैं आपको इसका बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ, क्या वो पाकिस्तान सरीन है या पाकिस्तान एयरब्लू है या पाकिस्तान की तो है ना सर, पाकिस्तान देखिए मैं ये लूंगा कि जिस आदमी का लाइसेंस यहाँ से इशू हुआ है, वो जो मर्जी हो वो कैल्पा का मेंबर हो सकता है या होना चाहिए उसको असूली तौर पर, या कम से कम वो तो होना जो कमर्शियली पाकिस्तान में हो रहा हो,
सर अगर मैं इस बात को आपकी मान भी लूँ ना तो फिर भी नहीं मानूंगा क्योंकि मैं हूँ तो पहलवा था सर, और मेरे जो सारे जो हम लोग हैं पायलट जो पहलवा के हैं वो जो भी पेपर से एक हम सारे मेरे दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल, जब मैं अब जब कहता हूँ ना तो मैं बुरा बन जाता हूँ, लेकिन जब पेल्पा गो स्लो कहती है या पेल्पा नो शो कहती है हम उसे एग्री नहीं करते। इसका मैं आपको आज बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। हाँ। मतलब ये है कि अभी थोड़े दिनों पहले हम लोग टीवी में देख रहे थे कि कुछ लोग हैं जिनको कनाडा लेके जाना है और फ्लाइटें भेजनी थी, तो हमारी पेल्पा ने क्या मांगा था, सिर्फ यही कि कॉकपिट स्टेरलाइज किया जाए, सारा कुछ पायलट्स की सेफ्टी के लिए उनको अंदर बंद कर दिया जाए। तो कैबिन क्रू का भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल पायलट्स की पायलट्स नहीं, एयर क्रू ऑल एयर क्रू सबका होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये बवाल तो फैली हुई है ना, किसी को भी हो सकती है। अल्लाह रहम करे। अभी हम लोग भी इतने देर से हाथ भी नहीं मिलाए, दूर से ऐसे हालांकि हमेशा गले मिलते थे, लेकिन अब ऐसा ये इस वर्ज पे हम लोग आ गए हैं कि हम तो मिलकर चाय भी नहीं पी रहे यहाँ पे, बर्तनों को ना एक दूसरे के हाथ लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि पीआई गो स्लो की अभी बात हो रही थी कि वो क्या होती है, गो स्लो नहीं होती, हम लोग वी गो आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ ऑल पायलट्स पीआई पायलट्स वी गो आउट ऑफ द वे टू यू नो डू द फ्लाइट्स एंड थिंग्स, चाहे कुछ हो रहा हो, यमन से लोगों को लेकर आना हो, वॉर जोन हो, वहां पीआई पहुंच जाता है, हर जगह पहुंच जाता है, कहीं से वैकेशन हो पीआई पहुंच जाता है, जहां कोई और नहीं जाना चाहते वहां हम लोग अल्लाह का नाम लेकर ठक पहुंच जाते हैं, इसलिए नहीं कि इसलिए क्योंकि ये हमारी एयरलाइन है। अब कुछ आज आपने देखा होगा कि आज वो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं डॉक्टर्स को वो भूल गए जो ढंडे मारे थे ये पुलिस टक टक टक। नहीं सर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी कल को आप माजी को फॉरगेट करें। अच्छा ठीक, सब भूल जाए सर, सब भूल जाए, डॉक्टर्स सर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। हाँ मेरी बेटी अभी हाउस जॉब कर रही है, मैंने उसको एक कार्टून भेजा कि मैं सल्यूट कर रहा हूँ उसको। तो ये बहुत ये चीजें जो है ये गो स्लो नहीं है, गो स्लो इज के आपको जो मैनेजमेंट कहती है कि भाई 12 घंटे सिविल एविएशन के कुछ लॉज हैं कि उसको आपने एक्सीड नहीं करना, आप 12 घंटे की ड्यूटी से एक्सीड नहीं कर सकते। अब ये आप लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम हो रही है सऊदीया की फ्लाइटों पे, क्योंकि पहले आप लोगों का लालच होता था वहां ले ओवर मिलता था तो कोई उमरा कर लेता था, कोई ये कर लेता था, हम लोग अभी भी कर रहे हैं, पायलट अभी भी कर रहे हैं, केबिन क्रू बेचारा नहीं कर रहा, अभी भी हम लोग को ले ओवर मिल रहा है, और कौन मुसलमान होगा जिसको उमरा का लालच नहीं होता। ठीक है कभी कभी ले लेता है इंसान, कर ही लेते हैं जी बिल्कुल, लेकिन ये लालच नहीं है, हम लोग तो बस ये है कि सेफ्टी रखनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए केबिन क्रू की भी कॉकपिट की भी, क्योंकि मैं अगर आप मेरे सारे क्रू से पूछना से मेरे केबिन मैंने वर्जिन अटलांटिक वगैरह को भी देखा, एमिरेट्स को भी देखा, टेक्निकली उनकी 22 घंटे भी हो रही होती है। वो किस तरह, बिल्कुल मैं बता दूं कैसे हो रही है, हो रही होती है वो नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, मेरे भी दोस्त हैं जो करते हैं, सऊदीया में दोस्त हैं कई हैं जो फ्लाई करते हैं 22 घंटे, वो पता है कैसे करते हैं, डबल क्रू होता है, ट्रिपल क्रू होता है, और वो बंदा सो रहा होता है, बंक्स बनाए हुए हैं प्रॉपर ये तो हमारे प्रेसिडेंट था जिसकी तस्वीरें निकली थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे लिए जहाज के अंदर कोई कॉकपिट क्रू और कोई केबिन क्रू नहीं है, वी आर ऑल क्रू, और अगर आपको इस बात का मैं अपनी बात शुक्र है वरना अगली बार आपकी चाय में जहर मिलता। नहीं नहीं, नहीं मुझे ये पता है इस दुनिया का असूल है कि अगर मैं किसी की इज्जत करूंगा तो वो भी मेरी मेरे से इज्जत भी करेगा प्यार भी करेगा, और मुझे ये पता है कि मेरा केबिन क्रू मुझसे बहुत प्यार करता है क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी नौकरी करने है मैं भी नौकरी करने है, वो भी पीआई की नौकरी कर रहे हैं मैं भी पीआई की नौकरी कर रहा हूँ, बात सिर्फ ये है कि कहीं तो लाइन होनी चाहिए कि
आपको पता है हम लोग क्यों नौकरी अब करते हैं? मेरी 30 ऑलमोस्ट 30 साल की सर्विस हो गई है, क्यों अब मैं नौकरी कर रहा हूं? क्यों? अगर मेरा पास अरबों रुपया हो तो शायद मैं नौकरी ना करूं, मैं आराम से अपने एक जहाज खरीदूं, अपने बेटे को कहूं कि चल यार हमजा गलत बातें करे, अरबों रुपए के तो जहाज नहीं आते ना, करोड़ों के आते हैं, लाखों के आते हैं। अरे सर अगर ऐसी बातें ना करें, आप भी ले सकते हैं जहाज अगर आप चाहें तो। आप 172 आपको कितने का मिलेगा? 40 लाख का मिल जाएगा, 50 लाख का मिल जाएगा। 77 भी हमारा पीए का बिल्कुल ऑपरेशन खड़ा है कराची एयरपोर्ट पे। कितने का बिक रहा था? कोई ग्रैंडी की कीमत था, टोयोटा करोला की कीमत था, वो तो शुक्र आप लोगों ने आके और मैंने शोर मचाया जी, वरना वो बिक चुका होता, वो भी एबस 310 की तरह चला गया। अरे आपने, आई होप हमारे एमडी साहब को पता है इसका, सीईओ साहब को, एयर मार्शल साहब को, कि वो एक हमारे जहाज पे खड़ा है। आई एम श्योर पता होगा, नहीं पता होगा तब देख लेंगे इस वक्त। हाँ, क्योंकि पीआई के पास हम लोग पास बहुत कुछ है, कुछ कर लो बहुत है, मैन पावर बहुत है, सब काम करना है सर। फिर आप ऐसे है कि फ्लाइट प्लान करवा दें हम लोग की ऑस्ट्रेलिया, नॉन स्टॉप कराएं सर और डबल, लेकिन सब करेंगे, बंक्स वगैरह मिल जाए जिसमें हम लोग सीधे सो सकें, जो कानून कहता है। हम लोग पता क्यों शोर है, जो गोस्लो पता क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि यार अब मुझे कानून कहता है कि मुझे एक बेड स्ट्रेट मिला, तो वो कहते हैं नहीं जी जहाज में तो नहीं है, ऐसा है कि पीछे की दो सीटें दे देते हैं, आप ऐसे करके लेट के चले जाएं। सर ऐसे करके लेट होते हैं सर ये, एक सेकंड मेरा मुनाफिल भाई, घर का बेदी हूं मैं। हाँ। आपको ये जो मसाइल शुरू हुए थे, ये भी तो कल्पा के मेंबर्स ने शुरू किया था ना, एजाज हारूनी थे ना, जिसके जमाने में सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू हुए थे फ्लाइट आवर्स के और बंकर्स के। एक मिनट मैं खत्म कर लूंगा। एजाज हारून था, वैज जपोई था, ये सारे कौन थे? आपके पायलट थे यार, कल्पा के लोग थे। आप पीआईए की मैनेजमेंट को इतना बुरा कहना, यही मैनेजमेंट थी उस वक्त की? बंदा जब एक पेल्पा का बंदा मैनेजमेंट में चला जाता है तो वो उस वक्त मैनेजमेंट का बंदा होता है, पेल्पा का नहीं होता। सर वो फ्लाई पकड़ा था, नहीं वो तो मुझे भी शायद बहुत बुरा वाला कह रहे होंगे, ये देखेंगे तो बहुत देखेंगे, क्योंकि मेरी कैप्टन एजाज हारून से बिल्कुल अब बातचीत नहीं है काफी अरसे से, हालांकि मैं उनकी बड़ी बहुत इज्जत करता था, बहुत ज्यादा, लेकिन बीच में हम लोगों की किसी उन्हीं के लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, और जो कि शायद सही है। मुझे दुख इस बात का है, एजाज हारून वाज अ वेरी गुड पायलट, ही वाज अ वेरी कैपेबल पायलट, ही अंडरस्टूड द एयरलाइन लाइक नोबडी, नो डाउट अबाउट इट। आई मीन, और वो बहुत बेहतर कर सकते थे अगर उनके पीछे जरदारी साहब ना होते। जरदारी साहब आगे भी थे, पीछे भी थे, साइड पे भी थे। मैं घर से निकलता हूँ, पहले ड्राइवर की बातें सुनता हूँ कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, सुनते सुनते एयरपोर्ट पे पहुंचा, वहां क्रू लोडर, उसकी क्या प्रॉब्लम है। वो बेचारे क्रू लोडर 100 रुपए के लिए बैग उठाते भागे आते हैं, 100 रुपए के लिए बेचारे, कई लोग ज्यादा भी देते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और उसकी बातें सुनता हूँ, उसके बाद जाते हुए सारे पैसेंजर्स की बातें सुन रहा होता हूँ कि इनको क्या प्रॉब्लम है, सुनते सुनते काउंटर के सामने सुनता हूँ, वहां लड़ाइयां झगड़े सुन रहा होता हूँ कि किस पैसेंजर के साथ क्या हो रहा है, सुनता सुनता बाय द टाइम मैं जहाज के अंदर पहुंचता हूँ तो ये सारा का सारी चीजें मुझे पता होती हैं कि किस किस को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन क्या मेरी इतनी अथॉरिटी है कि मैं किसी को कह सकूं कि भाई आप ये क्यों इस पैसेंजर के साथ या इसके साथ कर रहे हैं? आपने नाम लिया नूर खान साहब का, उस जमाने में पायलट्स की क्या अथॉरिटी थी? एक पायलट एंटर होता था तो लोगों को जान निकल जाती थी कि ये कहीं नकाब छुट्टी ना कर दे मेरी, अगर ये पैसेंजर के साथ मैं पायलट जहाज में किसी को भी अरेस्ट करवा सकता है।
कैप्टन जो होता है उसकी बड़ी पावर होती है, लॉ ऑफ द लैंड होता है उसके पीछे। अरेस्ट क्या हमारा बेचारा केबिन क्रू अगर किसी पैसेंजर के साथ को कुछ कह दे तो अगले दिन उस बेचारे को ग्राउंड किया होता है? ये तो आप लोगों की कमजोरी है ना, ये लेकिन एसओपी तो आपको इजाजत देती है, एसओपी तो आपको इजाजत देती है सर। एसओपी देखे ना, अगर हम लोग वही कहते हैं ना कि जी हम लोग एसओपी आज से फॉलो करेंगे तो उसको नाम दे दिया जाता है गो स्लो का। गो स्लो नहीं होती कोई भी, देयर इज नथिंग गो स्लो, इट इज दैट ओके लेट्स फॉलो द बुक। अगर आप इतने हम लोगों को जलील करना चाहते हैं पायलट्स को तो विल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल फॉलो द बुक, पर ये अगर गलती से कह दें तो लोग समझते हैं कि ओ गो स्लो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर एक आप मानते हैं कि अगर मेरी फ्लाइट होगी तो कम से कम मुझे 12 घंटे सोना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, और 12 घंटे एक अच्छी एनवायरनमेंट में सोना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि ट्रकों की आवाज़ें और हमारे मुल्क में घरों में हम लोग सुकून से सो सकते हैं, आप बताइए। अब मुझे आपके घर का नहीं पता, किसी को शादीशुदा आदमी है उसका ही मसला है कि वो कैसे सोएगा। बिजली का मसला इस मुल्क में, पानी का मसला इस मुल्क में, तो हम लोग सब वी डू अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम इस मुल्क के ही लोग हैं ना, हम लोग भी सब मुल्क 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 हमारा मुल्क है ये, तो इस मुल्क के लिए अगर हम लोग कह दें कि यार आपको एक बड़ी मजार बात बताऊं, खैर मैं जो आपसे कह रहा था कि मैं क्यों नौकरी कर रहा हूं, मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहा हूं ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं और इज्जतदार तरीके से रह सकूं। बैठे बैठे मैंने एक दिन सुना कि आपको भी पता होगा कि हम लोग की पेंशन खत्म हो गई। अरे ये जो हम लोग करते थे सारे, क्योंकि वो जो पेंशन की हमारी किटी थी ना वो कहीं और खर्च दी थी पिछली गवर्नमेंट्स ने, कहीं और पैसे सारे खर्च दिए, तो अब इसमें हमारा कसूर है? अगर मैं आज के मेरे वालिद साहब जब उनका इंतकाल हुआ तो वो 1974 में रिटायर हुए थे और उनको एयरफोर्स 50,000 रुपये महीने का देती थी और उनका इंतकाल हुआ 2013 में, तब तक वो उनके 50,000-60,000 रुपये एयरफोर्स भेज रही थी। एक दिन मैं अपने बैंक गया तो मैंने अपने बैंकर से पूछा, मैंने कहा यार वो कहते हैं ये आपके फादर थे, कहते हैं, मैंने कहा तो कहते उनके तो अभी भी पैसे आ रहे हैं, मैं कहा क्या उनका तो इंतकाल हुए तो अरसा हो गया भाई, वापस एयरफोर्स को भेजो पैसे। तो इस तरह तो है हमारा हुकूमत में कि अगर आप सच बताएं, अगर एयर मार्शल क्या कितने इयर्स ऑफ सर्विस होती होगी? एयर मार्शल आई मीन लाइफ टाइम है, नहीं नहीं सर्विस एयरफोर्स 35 साल 34 साल 30 साल 28-30 साल मेरी 30 साल भी होती है, लंबी भी हो जाती है, 32 साल 33 साल इससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना सर। और अभी इतने साल बाद उनसे कहा गया कि जी कल से आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आप रिटायर होंगे पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि आपको हमने 35 साल तनख्वाह दी है, वो सर पकड़ के नहीं बैठ जाएंगे, आपका कोई जमीन नहीं, ये नहीं पता कि किसका सर पकड़ेंगे, लेकिन सर जरूर पकड़ेंगे बिल्कुल, अर्शद तो पकड़ लेंगे किसी का। सारी बात है क्योंकि ऑनेस्टली काम किया ना उसने, हाँ। उसने ऑनेस्टली काम कर रहा है वो, तो वो कह चाहेगा कि मैं जब रिटायर हूँ, आपकी आपकी यूनियंस वाले मैनेजमेंट को नकारा करने केसेस करते हैं, बिल्कुल गलत केसेस, वो अपनी अपनी पेंशन के लिए क्यों नहीं जा रहे? लेकिन सर मैं आपको एक आज एक बड़ी मजार बात बताऊं, इमरान खान गवर्नमेंट आई, सबसे ज्यादा चीखे कौन मार रहे हैं? जो सबसे ज्यादा करप्ट है वही चीखे मार रहे हैं ना। अरशद मलिक साहब आए, सबसे ज्यादा चीखे कौन मार रहे हैं? जो सबसे ज्यादा करप्ट है। पैल्पा तो चीखे नहीं मार रही, पैल्पा तो उनको जाके बताती है कि ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर देते हैं, इसलिए इसलिए क्योंकि हम लोग गलत बात की तरह पैल्पा को हर फ्लाइट के ऊपर $100 का भत्ता नहीं देना पड़ता जी, आपके पूरे कैबिन क्रू जरा जाए पूछे उनसे, हर एक अपने जो है $100 देता है, फिर उसको फ्लाइट मिलती है लंदन की, फिर उसको फ्लाइट मिलती है कहीं और की, अब वो गरीब वहां से चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर तो इसका हल मैं आपको बताऊं, केबिन क्रू में से ही लोगों को शेड्यूलिंग में बैठाएं और वो सर्कुलेट करते रहे, तो आपकी यूनियंस का शिकंजे उन्हीं को तो नहीं कसूर नहीं, ये तो अच्छा काम किया उन्होंने, ये बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए तो कोर्टों में भी तक वो खड़े नहीं। लेकिन फिर दुआएं हैं उनके, उनको कौन की दुआ है? पीआईए के लोगों की दुआ है, जो लोग ऑनेस्टली काम करते हैं ना। मैंने एक बार एक जगह बोला था कि जिस दिन आप पायलट, तो आप खुद पायलट हैं, आप मुझे बताएं, आप
अपनी जेब से पेट्रोल दिला के फ्लाई करते हैं। आप चाहेंगे शॉर्टकट मिले ताकि आपका पेट्रोल बच जाए? मैं तो हमेशा उसको मेहनत करता हूँ, मुझे डायरेक्ट मार भी देते, वो नहीं देता मुझे। बार बार कर रहे हैं कि और कोई नहीं होता फ्लाइट में, लेकिन मजा ले एटीसी डायरेक्ट मार भी करते हैं। हम लोग के डायरेक्ट फ्लाइट पॉइंट देते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट पॉइंट ताकि टाइम बचे, फ्यूल बचे। किसके लिए? जहाज में पेट्रोल जा रहा है। पीआईए में जहाज मेरी जेब से नहीं पेट्रोल डाल रहा, मैं जो डाल रहा हूँ फ्यूल अपनी जेब से नहीं डाल रहा, पीआईए डाल के दे रही है, लेकिन मैं वो बचा रहा हूँ ना। कम से कम अब जो बचाता हूँ वो पीआईए मलिक साहब की वजह से ये है कि वो पीआईए को मिल रहा है, पैसा पीआईए की जेब में जा रहा है। अच्छी बात है। पहले जब बचाते थे तो पैसा कहाँ जाता था? शायद बाहर जाता था पीआईए से। आई होप दिस एयरलाइन इंशाल्लाह कम्स टू इट्स पास्ट ग्लोरी एंड मोर एंड मोर। कभी जापान का एम्परर उसने पीआईए से ट्रेवल किया, थाईलैंड के एम्परर ने जब वर्ल्ड टूर करना था उसने पीआईए को चूज किया, जो है ना विंडसर कासल के लोग जो थे जी बिल्कुल वो पीआईए को यूज करते थे, स्वीडन की क्वीन ने पीआईए को यूज करना प्रेफर करते थे। आपको से मैं किस दिन इनवाइट करूंगा, मैं पेल्पा क्लब हाउस वहां ये सारी पिक्चर्स लगी हैं। मेरा लाइसेंस एक्सेप्ट हो जाएगा? अरे नहीं यार, तो आप देखिए ये सारे लगे हैं। वो जो आपने माफिया बनाई है कि नहीं सर, कोई माफिया पायलट हो गए यार, पेल्पा का मतलब पाकिस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट होना चाहिए। तो सर आप नहीं, यू जस्ट कम एंड यू सी के आप देखें कि वहाँ सारी पुराने ये सारी लगी हैं पिक्चर्स, ये जो जो पीआई ने करते रहे लोग पायलट जो करते रहे। सबसे ज्यादा आपको बड़ी मजार एक और बात बताऊ आजकल, ये सच है, आपने कहा ना सरीन एयर ब्लू सर, अगर तो पीआई की तो खैर इन लोगों से भी कम है पायलट की। डू यू नो दिस? ये भी मुझे भी थोड़े दिनों पहले पता चला, मुझे आई गॉट अ शॉक। मैंने कहा शॉक, चलो कोई बात नहीं, उड़ तो रही है ना। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में इंसान को सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी। हाँ तो ये जो एल लगाया ना पीआईएसी, एल एल को हटा दें और फिर गवर्नमेंट लेकर आए, अरशद मलिक साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता था फिर। हाँ, ऑब्वियसली तो ये लीगल हो जाए, तो ये हटाएं इसको, ये जो एल लगाया हुआ है व्हाट। अगर नहीं सर आप, लेकिन ये आप इस से हम बचेंगे पहले इंशाल्लाह पीआईए को भी उठाएंगे। मैंने एक इस प्रोग्राम के नाते एक बात पूछना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये जो एयरफोर्स के जो रिटायर होके बहुत सीनियर बाबा होते हैं, जैसे नूर खान थे, उनको रिटायर कर दिया हमने। इंडिया में एक सिख थे, उनका नाम मैं बताता हूँ, उनको उन्होंने मार्शल ऑफ द एयर बनाया, विच इज जस्ट अ ऑनरी पोस्ट। तो हमारे मुल्क में एयरफोर्स में मैं कहता हूँ अरशद मलिक साहब को ये बना दें मार्शल ऑफ द एयर, ऑफ द एयर बना के उनको ये बना के ना उनको ताकि पक्का उनको सबको पता चल जाए, लाउडली ये आवाज सबको आ जाए कि अगले 10 साल तक ये बंदा नहीं जा रहा है यहाँ से, फिर देखते हैं कि ये एयरलाइन कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। कंटिन्यूटी चाहिए, बिल्कुल, दैट्स व्हाट वी नीड इन दिस एयरलाइन। बट आई होप हम कोशिश करेंगे कि अभी तो अच्छी खबर नहीं है पीआईए की, इस वक्त तो ग्राउंडेड है, लेकिन इस वक्त भी पीआईए जो है बड़ी क्रिटिकल जगहों पे सर्विस दे रही है, और इंशाल्लाह पोस्ट दिस वायरस जब ये तारीख लिखी जाएगी तो उसमें जहाँ डॉक्टर्स का और पैरामेडिक स्टाफ का उनकी तारीफें लिखी जाएंगी, तो मे बी समबडी विल राइट अबाउट द सैक्रिफाइसेस ऑफ द पीआईए and whatever they have done to bring people during this time. But thank you for watching. Isko subscribe karein aur bell icon ko zarur press karein. And Captain Jamal, thank you for being here. And aapse bas theek hai, ye social mulaqat isi tarah theek hai, dur dur ki. But ye karte raha karein aap. Thank you. And until the next time, Allah Hafiz.